शिवपुरी के चंद्र कुमार अग्रवाल ने यूपीएससी से आईएफएस में पाया सिलेक्शन, आईएएस बना है लक्ष्य। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की ओर से आयोजित भारतीय वन सेवा परीक्षा 2021 में शिवपुरी के रहने वाले चंद्र कुमार अग्रवाल ने 35वीं रैंक हासिल की है। अपने चयन से उत्साहित चंद्र कुमार ने बताया कि वो यूपीएससी की परीक्षा पहले भी 3 बार दे चुके हैं। 2 बार आईएएस का इंटरव्यू दिया लेकिन सफलता नहीं मिली। उन्होंने अपनी कमियों को ढूंढा, मेहनत की तो 4वीं बार में सफलता मिल गई। वो बताते हैं कि उनके दादा रामजी लाल ठेया अक्सर कहते थे कि किसी भी परीक्षा में सफलता हासिल करनी है तो उसके लिए ध्यान और एकाग्रचित होना अहम है। दादाजी खुद 14 घंटे ध्यान साधना करते थे, उन्हीं से प्रेरणा लेकर प्रतिदिन 40 मिनट ध्यान लगाना शुरू हुआ। इसका फायदा ये हुआ कि एकाग्रता बढ़ गई। इसके बाद उन्हें पहली सफलता कक्षा 10वीं में मिली जब उन्होंने प्रदेश में टॉप किया। इसी एकाग्रता का परिणाम रहा कि आईएफएस एग्जाम में उन्हें सफलता मिली। वो कहते हैं कि उनका लक्ष्य अब आईएएस बनना है। इस बार भी वो आईएएस प्री एग्जाम में क्वालिफाई कर चुके हैं, पूरे मनयोग से मेंस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका फर्स्ट समाचार में एक बार फिर। आज शिवपुरी जिले का नाम फिर से रोशन हुआ है। बताना होगा कि पुरानी शिवपुरी में निवासरत चंद्र कुमार अग्रवाल, जिन्होंने अभी हाल ही में यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई करके आईएफएस में सिलेक्ट हुए हैं, इनसे विशेष चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। अभी आपने जो यूपीएससी क्वालिफाई करके आपने आईएफएससी का क्लियर किया है, तो क्या आपने ये शुरू से आपका स्कूल टाइम से और अभी तक का क्या अनुभव रहा? कि आप पहले से आपको पता था कि मुझे यूपीएससी क्लियर करना है, इसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। हाँ, मतलब 12th क्लास के बाद मैंने आईआईटी जाने का निर्णय लिया और आईआईटी में जाने के बाद मैंने कई मेरे साथ ऐसे वाक्या हुए, जैसे कि मैंने एक रक्षक फाउंडेशन करके एक एनजीओ है जहाँ पर मुझे बड़े पदस्थ सिविल सर्वेंट से मुझे दिन रात चर्चा करनी होती थी, तो उनके कार्यों के बारे में मैंने विस्तृत तौर पर जाना कि वे क्या कार्य कर रहे हैं। तो मुझे उनका पता चला कि इन लोगों का कार्य काफ़ी बड़ी जनता पर सीधा प्रभाव डालता है। ये काफ़ी लोगों के जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है इस नौकरी के ज़रिए। तो वहाँ से मेरा रुझान इस सर्विस की तरफ बढ़ता रहा और जैसे ही मेरा 2016 में इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ और मैं यूपीएससी की तरफ तैयारी करने के लिए आ गया। एक बात बताना होगा कि ये ठेहिया परिवार के नाम से शिवपुरी में जाने जाते हैं। और एक आपने यूपीएससी का क्लियर किया, इसके प्री कितनी बार निकला है आपका, कहाँ तक आप ये आईएफएस का आपने पद जो है वो कब क्लियर किया, कि कितने प्री भी दिया होगा आपने, मेंस तक भी आप पहुँचे होंगे, तो उसके बारे में बताइए। हाँ, मैंने सिविल सर्विसेज का 5 बार प्रयास कर चुका हूँ, जिसमें मैं 2 बार साक्षात्कार के लिए बुलाया जा चुका हूँ और ये मेरा फॉरेस्ट सर्विसेज में पहला मेंस था और पहला इंटरव्यू था और इसमें मेरा क्लियर हो गया। अच्छा, कई उतार चढ़ाव आते हैं ज़िंदगी में, स्कूल के टाइम भी, कॉलेज के टाइम भी, फिर आप कॉम्पिटिशन में गए, तो कहाँ से आपने पूरी तैयारी की और कई उतार चढ़ाव जो आते हैं फैमिली भी टर्म से कहीं ना कहीं दिक्कत आती है, तो कैसा वो वाक्य रहा? हाँ, ये उतार चढ़ाव तो इस परीक्षा का मतलब एक नियम की तरह है। मतलब एक बार आएगा, फिर दोबारा ऊपर जाओगे, फिर नीचे आएगा। इसमें मतलब मेरा परिवार मेरे साथ था, मतलब सबसे बड़ी ताकत तो परिवार ही होती है। अगर परिवार से सपोर्ट मिल रहा है तो मतलब आदमी खुद से फिर ताकत लगा सकता है। तो एक मेरे परिवार ने मेरा बहुत साथ दिया और उसके बाद मेरे को अंदर से अपने आप पर विश्वास था कि मैं मेहनत कर सकता हूँ, जिस दिन तकदीर साथ देगी मैं अंदर हो जाऊँगा। अच्छा, आगे भी कोई एम है या फिर यहीं तक रुक जाने का सफ़र है? अभी मेरे को सिविल सर्विसेज़ में मैं अभी आईएएस पोजीशन के लिए ट्राई करूँगा। मैंने अभी प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, दोबारा मैं मेंस लिखने वाला हूँ सितंबर में। अच्छा, लगातार ये सूचना जब आपको लगी, सब लोगों को लगी, तो लगातार भैया बधाइयों के तांते लगे हुए हैं, तो सब लोगों से कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको? सबसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है, लोग बधाइयाँ दे रहे हैं, अच्छा लग रहा है। मतलब 6 साल से मैं मेहनत कर रहा था तो सफल हुई है, लोग भी खुश हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा, कहाँ से आपने ये पूरी तैयारी की है? ये मैंने मतलब कॉलेज के बाद मैं दिल्ली चला गया था प्रिपरेशन करने के लिए। मैंने कोई कोचिंग नहीं ली है, वहाँ पर मेरे कई सारे दोस्त थे, उन लोगों के साथ मिलके मैंने मतलब आपस में तैयारी की है, उससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। कई ऐसे युवा हैं जो स्टूडेंट हैं कि पीछे अपने पैर खींच लेते हैं, तो उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? मगर अगर ऐसा है कि मतलब कुछ लोग अपने आप पे भरोसा ना करते हुए पैर खींच रहे हैं, तो मतलब मैं उनको सलाह दूंगा कि कोशिश करते रहो, निकल जाता है। और मतलब अगर किसी दूसरे कारणों के कारण, जैसे कि आर्थिक दबाव के कारण अगर करना पड़ रहा है, तो फिर ये हालातों का मतलब वो हालातों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, लेकिन जिन लोगों की सक्षम है जो कर सकते हैं उन लोगों को करते रहना चाहिए।
अच्छा, हम माता जी भी इनकी हमारे साथ मौजूद है। माता जी कैसा लग रहा है बच्चे ने? बहुत खुशी की बात है, बहुत ही अच्छा। सभी का बहुत सहयोग आ रही है, तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, और सबका बहुत सहयोग है। तो ठीक किया बेटे ने। हाँ, बहुत खुश है। तो मेहनत के बाद सफलता पाई है। मेरे परिवार का, मम्मी पापा का, सबका बहुत तप है, इसमें मेरा अकेला नहीं है। तो ये थे हमारे साथ चंद्र कुमार अग्रवाल जी। इन्होंने अपने पूरे सफ़र के बारे में बताया, और लगातार इन्होंने बताया कि अपना एम सिविल सर्विस में और भी तैयारी करना चाहते हैं। तो बने रहिए फर्स्ट समाचार के साथ।